ओके बच्चों, 7th क्लास का मैथमेटिक्स चल रहा था हमारा। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल तक हम पहुँचे थे। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के अंदर हमने देखा कि कोई भी दो फ्रैक्शंस जब होते हैं, ये दो फ्रैक्शंस बच्चों या तो प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं कि गिवन वाला फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर वाला है या फिर प्रॉपर टाइप का है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मान लो कि अगर मुझे ए बाई बी को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलना है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगा जब ये वैल्यू जो है बी की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इट्स ग्रेटर वैल्यू कम्पेयर टू द ए। यानी यहाँ पे अगर, ठीक है, या तो मैं लिखूँ अगर इफ बी की वैल्यू जो है वो ए से बड़ी होगी तो ऐसी परिस्थितियों में जो इसका नाम है वो क्या नाम होगा? फ्रैक्शन तो होगा, ये फ्रैक्शन तो होगा ही, पर उसका नाम जो है वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भाई प्रॉपर के टाइप में ही है, मतलब फ्रैक्शन के टाइप में ही है। ए बाई बी के अंदर यानी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों जिस दिन अगर बी की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ए से बड़ी मिले, जैसे कि मेरे को अगर 3/5, तो यहाँ पे देखिए 3/5 के अंदर 5 जो है वो मेरा डिनोमिनेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर 5 3 से बड़ा है। इसका मतलब मेरे पास जो 3/5 वाला जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक बच्चों, दूसरा हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो बड़े सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी कोई दो फ्रैक्शन ए बाई बी वाला जो है वो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगा इफ बी की वैल्यू है वो छोटी होगी ए से। बस ये कहानी है, इफ बी की वैल्यू छोटी होगी ए से, यानी ए और बी मेरा कोई नंबर है और यहाँ पे न्यूमिनेटर वाला जो पार्ट है वो पार्ट अगर छोटा होगा किसकी कंपेयर से, सॉरी डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ये वाला बी वाला, ये अगर छोटी वैल्यू होगी कंपेयर टू द ए, ऐसे केस में हम कहेंगे कि मेरा गिवन वाला जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर टाइप का है। अगेन एग्जांपल में इसके बेस पर लूँ, जैसे कि मैं 5/3 लिखूँ तो ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अब आप जान चुके हो, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है ना, ये 3, ये वाला 3 जो है ना वो बड़ी छोटी वैल्यू है कम्पेयर टू द न्यूमरेटर। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट 5/3 इज नथिंग बट इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा टाइप देखा था हमने मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन देखा था। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से ही जन्म लेता है। यानी अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मुझे दिया गया या तो मेरे आंसर में कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया तभी मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन कदापि मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। जब तक पढ़ते रहो तब तक मैथमेटिक्स में एक बात ख्याल रखना, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो कभी भी मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट तो वही फ्रैक्शन होंगे जो इम्प्रॉपर टाइप के होंगे। हाँ, अगर मैं लिखूँ कि 5/3 तो 5/3 मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये इम्प्रॉपर है तो ये चेंज हो सकता है मिक्स में। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मेरे पास 5/3 है इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 5 का डिवाइड कराऊंगा 3 से, ऐसे 5 का डिवाइड करो 3 से, तो 3 1 3 3 1 क्या मिला? 3 मिला। डिवाइड करा, सब्ट्रैक्शन करो तो 2 मिलेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ये था कि यहाँ पे जो 3 है वो पहले यहाँ पे रख दो, फिर अपने डिवाइड वाली जो प्रोसेस की वहाँ पे देखो, जो सबसे नीचे नंबर आया उसको सबसे ऊपर रखो और जो सबसे ऊपर नंबर आया उसको बीच में रखो। बस यही बात बोलनी है आप लोगों को। ठीक है, या तो 1 2/3 बोलूँ या तो 5/3 बोलूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप देखिए 3 1 3, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो भी आंसर मिला मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 2 में ऐड करना है, तो 3 1 3 4 5। तो कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि मिक्स फ्रैक्शन है वो सॉरी मिक्स फ्रैक्शन है वो कब बनता है? जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था और ये प्रॉपर फ्रैक्शन था। नोटबुक में नोट करना है तो नोट कर लो कहीं ना कहीं। आज हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, चलो उसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बड़ी सिंपल सा टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मानो पूरी मैथमेटिक्स में सबसे कोई इजी टॉपिक होगा तो ये है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है, कैसे करना है पता है?
मान लो मुझे कोई दो फ्रैक्शन दिए गया है कि 1/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, मैं एग्जांपल हमारा प्रैक्टिस 2.3 में से उठा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन देखिए। फर्स्ट वन क्वेश्चन टेल अस 4/6 डिवाइडेड बाय 1/6 डिवाइडेड बाय 1/6। तो जिस दिन फ्रैक्शंस का डिवाइड करना होता है, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस मुझे दिए हैं और ये दोनों फ्रैक्शंस डिवाइड होने के लिए तैयार है, ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्या करना है बच्चों? मुझे करना है 4/6 को एज इट इज रखना है और ये वाली जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर देना है। डिवाइड का ट्रांसफर किस में करना है बच्चों? मल्टीप्लाई के अंदर ट्रांसफर करना है। अब जिस दिन डिवाइड की सिंबल मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होती है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। 4/6 मैंने एज इट इज लिखा, डिवाइड वाला सिंबल को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। जिस दिन मैंने डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, इसी टाइम पे उसके बाद जो भी फ्रैक्शन होगा उसके बाद का ही, ठीक है, उसके बाद का जो भी फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी इनवर्स हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। 1/6 का उल्टा 6/1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पे 4/6 मल्टीप्लाई बाई 6/1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए 4 और 6 का मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनिएगा आगे एक बार, न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो सेम सेम है या तो एक दूसरे के मल्टीपल्स में आती है, तो कट होने का संभावना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ये कट हो सकती है, तो 6 से 6 कटेगा क्योंकि ये सेम है, तो 6 1 जा 6, 1 से 1 कटेगा बच्चों, तो रिमेन इज 4। तो फाइनली माई आंसर इज गेटिंग 4। इट मीन्स दैट वेन वी आई ट्राई टू डिवाइड 4/6 डिवाइडेड बाई 1/6, तो इट गेटिंग 4। 4 इज माई फाइनल आंसर, यानी इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो 4 मिलेगा। तो बड़ा सिंपल यहाँ पे टॉपिक था, कुछ करना नहीं है डिविजन फ्रैक्शन के अंदर, बस मल्टीप्लाई ही करना है। पर जब डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है तो आने वाला है उसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो उल्टा फुल्टा हो जाता है, ठीक है, इनवर्स हो जाता है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन 2 का 5th वाला देखिए। क्वेश्चन 2 का 5th वाला, उधर पे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, सोल्व द फॉलोइंग का है, ठीक है। 5th वाला देखिए, बाकी के तो सब इजी है, आपसे हो जाएंगे, आप हैंडल कर पाते हो, ठीक है। 5th वाला एग्जाम्पल है कि मैं देख लूँ एक बार, 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3, 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, देखकर ही भयभीत होते हैं हम, डर लगता है देखकर, डरने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। 3 अगर इसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूँ सिर्फ 3 को, तो कैन वी राइट डाउन द 3/1? यस, 3/1 इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ 3, क्योंकि हर एक इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 रख दूं तो हर एक इंटीजर्स एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। बड़ी बात कह दी, हर एक इंटीजर्स के डिवाइड में 1 1 रखूंगा तो हर एक इंटीजर्स एक रेशनल नंबर बनेगा, यानी एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर ऑल्सो। इस बात में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमारे पास फिर भी क्लास 8 है, क्लास 9 है, क्लास 10 है, 3 क्लास है जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स में हमें सब यही बातें पढ़नी है। अभी अगर पता नहीं चलता तो कोई बात नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई, अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन है बच्चों, तो बच्चों अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मैं 3 2 6 करूँगा, 3 2 6, 6 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो होगा 7, तो ये बेसिकली हो गया 7/3, ठीक बच्चों। आगे बढ़ेंगे, 3/1 एज इट इज, डिवाइड वाली साइन को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई के अंदर, एंड जिस दिन मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा उसी टाइम पे उसके बाद का जो भी फ्रैक्शन है वो उल्टा फुल्टा हो जाता है, यानी ये होगा 3/7। अब आप देख लीजिए, इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखूंगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 7 लिखूंगा। अब आप ऊपर वाली टीम को और नीचे वाली टीम को देखिए, तो क्या कहीं भी सेम सेम नंबर है ऊपर नीचे? देखिए न्यूमेरेटर में न्यूमेरेटर कभी कटता नहीं है, ये इस तरह से मत करना कि 3 से 3 कट गया। ये ऊपर वाला पार्ट अगर नीचे वाले पार्ट में सेम वाला नंबर मिलेगा उसको तो वही वो कट करेगा, ठीक है। एक टीम है, न्यूमिनेटर की टीम डिनोमिनेटर की टीम के साथ फाइट करेगी। तो देखिए बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 7 है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर का एक भी नंबर डिनोमिनेटर के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कटेगा नहीं। अब जबकि कुछ कटेगा ही नहीं,
तो हम दूसरा केस देख लेते हैं कि क्या किसी के मल्टीपल्स में कोई आता है। पहले मैं थ्री को चेक करूंगा, थ्री के मल्टीपल्स में वन आता है, मतलब थ्री के टेबल में तो वन आता ही नहीं। थ्री के टेबल में सेवन आता है, थ्री के टेबल में सेवन भी नहीं आता। एज इट इज वी कैन ट्राई विद द वन, क्या वन के टेबल में थ्री आता है? हाँ वन के टेबल में थ्री आता है, वन थ्री जा थ्री। बच्चों वन थ्री जा थ्री करूंगा तो यहाँ पे थ्री ही मिलेगा, यानी वन को कट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सेवन के टेबल में ना तो थ्री आता है ना तो नाइन आता है, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो थ्री थ्री जा नाइन डिवाइडेड बाई सेवन, तो इसका जो मेरा आंसर है वो होगा नाइन बाई सेवन। नाइन बाई सेवन को अगर और भी मुझे अच्छी तरह से लिखना है तो मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखा, तो मैं लिख सकता हूँ सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन होता है, तो सेवन वन जा सेवन, सेवन वन जा सेवन एट एंड नाइन, एक्स्ट्रा टू रिमेन, तो फाइनली आई गॉट वन टू बाई सेवन। इसका जो आंसर होगा वो होगा वन टू बाई सेवन, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इस टाइप से क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को ऐसे हैंडल करना है। ठीक है बच्चों, ओके एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बेस पर, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। नोट करना है तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके साथ साथ में। मान लो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कि 12 डिवाइडेड बाय कितने, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4, तो बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 करना बड़ा इजी है। 12 के नीचे कुछ नहीं है तो पूरी दुनिया कहती है कि 12 के नीचे जिस दिन कुछ नहीं होता उस टाइम पे उसके नीचे 1 होता है, ये तो आप भी जानते हो। डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 तो 1 बाय 4 है, इट इज। आगे बढ़े तो 12 बाय 1 है, इट इज। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद का फ्रैक्शन उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो ये होगा 4 बाई 1। क्या होगा? 4 बाई 1 होगा। ठीक है, वन वन, तो यहाँ पे देखिए मैं 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करूँगा तो फाइनली मुझे मिलेगा 1, 1 जा 1 डिनोमिनेटर में 1 मिलेगा, 12 फोर जा 12 फोर जा होगा 48। ठीक है, अब 48 डिवाइडेड बाई 1 लिखो या सिर्फ 48 लिखो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका बेसिकली जो आंसर मिला वो मुझे मिला 48। इस क्वेश्चन का डिवाइड करने से 48 मिलेगा। ठीक है, अगेन सेम टू सेम इस टाइप के क्वेश्चन में अगेन पिकअप कर लेता हूँ। जैसे कि अगर मुझे कहा जाए 21 डिवाइडेड बाई 3/7, 21 डिवाइडेड बाई 3/7, तो पूरी दुनिया जानेगी। अगर वापस 21 को हम 21 डिवाइडेड बाई 1 भी लिख सकते हैं अगर उसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो। डिवाइडेड बाई तो डिवाइडेड बाई 3/7 एज इट इज, 3/7 एज इट इज। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों 21/1 को एज इट इज लिखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो उसके बाद का फ्रैक्शन जो होता है उसकी परिस्थिति क्या होती है, पलट जाता है, तो ये होगा 7/3। क्या होगा? 7/3। ओके वेरी गुड, बड़ी सी लाइन खींची यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाई 7 को उसके फर्स्ट फ्लोर पे यानी न्यूमेरेटर में रख दिया, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 को 1 मल्टीप्लाई बाई 3 को कहाँ पे रख दिया? डिनोमिनेटर में रख दिया। ठीक है, यहाँ से एक एक्स्ट्रा बात पकड़ लो, 21/1 प्लस 7/3। मानो कोई क्वेश्चन इस तरह से आया, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ऐसे दिन पे आप क्या करोगे? आप ऐसे नहीं करना 21 प्लस 7 बड़ी सी लाइन खींची 1 प्लस 3, ऐसे मत करना बिल्कुल, इज अ रॉन्ग प्रोसेस। प्लस हो या तो माइनस हो, दो फ्रैक्शन के बीच में जिस दिन प्लस हो या तो माइनस हो, बच्चों हमें एक बात याद रखनी है, उसका डिनोमिनेटर सेम बनना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम बनना चाहिए। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं बना तो हम बनाएंगे, जानबूझकर बनाएंगे, अपनी जेब में से कोई नंबर डालेंगे पर बनाएंगे पक्का। कैसे बनाएंगे? 1 का और 3 का हम एलसीएम टेक करेंगे, यानी 1 का और 3 का एलसीएम। एलसीएम तो आपको पता है ना, आप 6th क्लास में मेरे पास पढ़ गए हो अच्छे से। 1 और 3 का जो एलसीएम है वो कैसे मिलता है? 1 के टेबल में और 3 के टेबल में जितने भी मल्टीपल्स आते हैं उस मल्टीपल में से कॉमन मल्टीपल्स बहुत कुछ होते हैं, उस कॉमन मल्टीपल में से लीस्ट मल्टीपल्स भी कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। 1 3 का एलसीएम 3 मिलता है, तो यहाँ पे 3 बनाने का प्रयास करना चाहिए, उधर भी 3 बनाने का प्रयास करना चाहिए, यहाँ पे तो है ही, तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। आफ्टर ऑल ये सब कुछ करने के बाद आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों साइड 3 3 बन जाता है, तो एक बार 3 लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3
जरूर उसके साथ होगा, ठीक है। तो प्लस या तो माइनस के साथ ऐसे काम करते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं ना, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट 1 3 3, यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा जो इसके बीच का जो लिटिल बिट डिफरेंस है ना, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। प्लस माइनस होगा तब किस टाइप से हैंडल करेंगे, और मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो किस टाइप से हैंडल करेंगे। आप तो ऐसे याद रखिए, मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एवं डिवाइड करने के टाइम पे हम इस लोगों को एलसीएम नहीं लेते डिनोमिनेटर में, ठीक है। अच्छा, क्या 3 के टेबल में 7 आता है? बिल्कुल नहीं। पर 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है। कैसे आता है? 7 3 जा 21, ठीक है। और उसी से 7 3 जा 21 होगा, 3 से 3 भी कटेगा, तो ये होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 1। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 1, पूरी दुनिया जानते हैं इसको 49 बोलते हैं। 7 7 जा 49, 49 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 रखो या ना रखो, ये बस एक इंटीजर्स का काम करेगा। तो फाइनली हम इस टाइप से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को होमवर्क वाला जो मैं पार्ट दे रहा हूँ, HW मानो होमवर्क, ठीक है बच्चों। होमवर्क में आप लोगों को जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 2.3 का, प्रैक्टिस 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बस क्वेश्चन नंबर 4 तक करने हैं। उसके बाद के वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को हम कल के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बस इतना रखते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस बड़े अच्छी तरह से आप समझ गए हो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, आप बेझिझक मुझसे फ़ोन कर सकते हो, या तो अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर आप लोग मेरे व्हाट्सएप थ्रू सेंड कर सकते हो। आप लोगों को उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर, या तो आवश्यकता के बेस पर उसकी हिंट आपको अवश्य मिलेगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।